हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में TCS कंपनी ने अपने शेयर को बायबैक करने का डिसीजन लिया है। TCS शेयर के करंट प्राइस 3729 रुपीज़ है और कंपनी रुपीज़ 4500 पर शेयर्स बायबैक करने वाली है और उसकी रिकॉर्ड डेट है 23 फेब। इसके पहले हम देखते हैं कि बायबैक कंसेप्ट क्या होती है। जब भी कोई कंपनी शेयर्स बायबैक अनाउंस करती है तो उसका मतलब ये होता है कि ओपन मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अपने ही शेयर को महंगे दाम पे खरीद लेना। वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसके लिए कंपनी बायबैक करती है। इसमें से पहला रीज़न ये है कि जब कंपनी के पास बहुत सारा एक्सेस कैश होता है पर उसका कोई यूज़ ना हो, तो कंपनी उस रिज़र्व कैश को यूटिलाइज करने के लिए अपने ही शेयर्स वापस लेती है। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर को कंसोलिडेट करना, मतलब कई बार कंपनी की शेयर होल्डिंग वो कुछ ज़्यादा ही पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में भी कंपनी कई बार शेयर्स बायबैक करती है। शेयर होल्डर्स ज़्यादा होने के कारण भी डिसीजन डिले हो सकता है। कंपनी के लिए ये अच्छा है कि डिसीजन मेकिंग पावर कम लोगों के हाथ में रहे। कई बार कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी की करंट मार्केट प्राइस अंडर वैल्यू है, इसके कारण भी कंपनी कभी कभी अपने शेयर्स बायबैक करती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।